रुपए, 30 रुपए में हर खिलौना ले लो आप। आ गए वर्दी वाले गुंडे। रुक जाओ भाई, ये हमारे नए एसीपी है। नमस्ते सर। एसीपी है तो क्या हुआ, शायद ये नहीं जानता कि हम सत्या के आदमी है। जानता तो हाथ नहीं उठता। अभी इसी वक्त सत्या यहाँ पे आना चाहिए। सत्या तो बहुत बड़ा आदमी है सर। सबूत जब तक नहीं मिलता तब तक वो बड़ा आदमी है। मेरे पास सबूत है, उसे यहाँ बुलाओ। कौन हो तुम लोग? सत्या साहब के आदमी। मैंने बुलाया था सत्या को। सत्या नहीं, सत्या साहब। ये कुछ भी करे चुपचाप रहो। बंद कर दो तीनों को, चलो। पॉलिटिशियंस में दखल मत दीजिए सर। सत्या के आदमी को छोड़ दो, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। मुझे Magic. मुझे अकेले को मारने के लिए इतने कुत्तों को भेजा है सत्या ने। अगर मर्द का बच्चा है तो उसे यहां आने के लिए बोलो। I love you, man. I love you. तूने सोचा कि तुझे मारने के लिए ये सब आए हैं? नहीं, तुझे तड़पते देखकर एंजॉय करने के लिए आए हैं। तुझे सिटी में आए भी 3 दिन ही हुए, अपनी ताकत तो तूने दिखा दी। अब मेरी ताकत नहीं देखेगा, हाँ? Boys, relax. चलो देखते हैं। Come on, आ जाओ। Good shot. Good shot. Your chance is over. Now, my chance. Hey!
मरने से पहले कोई यमराज को नहीं देखता, तुम किस्मत वाले हो, देख सकोगे। सत्य मैं नहीं हूं, वहां देखो। डेड एसीपी। इसे किसने मारा? उग्रवादियों ने मारा। चत्रु, इस लाश को सिटी सेंटर के सामने डलवा दो। सर, मैं कांस्टेबल सुबोध कुमार बोल रहा हूँ सर। सत्या ने एसीपी साहब को मार के उनकी लाश को यहाँ सिटी सेंटर के पास फेंक दिया है सर। क्या? सत्या ने नहीं, उग्रवादियों ने। तुम नए नए ड्यूटी पर आए हो ना, जल्दी स्टेशन आ जाओ। हेलो ब्रदर, रिक्शा चलेगा? पूछ के देखो चलेगा कि नहीं। नहीं चलेगा, मुझे चलाना पड़ता है। कहाँ जाओगे? तुम ही बताओ। शहर में नए आए हो? सही पहचाना, रहने के लिए जगह भी चाहिए। ए, मैं तुम्हें दल्ला दिखता हूँ। मैं रिक्शा चलाता हूँ लेकिन आज तक किसी से कमीशन नहीं खाया। नेशनल कॉलेज, भाटिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, सब जगह लोगों को पता है कि मेरी स्टील बॉडी है। टच करोगे क्या? आ जाओ। हेलो, आइडिया, इसे अपने ही घर में रख के भाड़ा वसूल कर सकता हूँ। हेलो, मेरी बात सुन के अगर तुम नखरे करते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। भोले वाले शरीफ दिखते हो। हाँ। कुछ एंगल में मुझसे ज्यादा हैंडसम भी दिखते हो। आओ घर दिखाता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। कौन है ये लोग? शहर में किसी के बारे में भी बात करो, ये सत्या के आदमी है, इनके बारे में बात करोगे तो मरोगे। सुना, वहाँ जो बैठा है ना, कहने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स हैं पर दादागिरी करते हैं, संभल कर जाना। आप रे, ये गया काम से। क्या बात है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश है, यहाँ सोसाइटी में नया आया हूँ। हेलो। 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 सॉरी सर, पता नहीं था आप इतने अच्छे इंसान हैं। बैठिए सर, एक नहीं, मुझे जाके फ्लैट देखना है। आप बैठिए तो सही, आपका फ्लैट कहाँ भागे जा रहा है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। ए, ए, सुनो, उसे बाद में देख लेंगे। ए, ये क्या है? राम कुमार के गुंडों ने मुझे पीटा। ए, चल, 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 चल। ए, ये क्या, इतनी अकड़ के साथ शर्ट उतार कर कैरम बोर्ड पे डाल दिया है? मार देते वो लोग, वो तो मैं था इसलिए तुम बच गए। पास में समुद्र जानते हो ना, उसी में फेंक देते। हाँ। फ्लैट किधर है? ऊपर।
मैं बोलते जा रहा हूँ और तुम बिना सुने जा रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी, समझ गए? तुम्हें मेरे साथ मेरे ही फ्लैट में रहना है। क्या कर रहे हो? सुंदर लड़की को देखते ही धक्का मारते हो? तुम्हें कोई तमीज है कि नहीं? इतनी तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हो, आखिर क्या इरादा तुम्हारा? ये लड़की लड्डू की तरह है, एक धक्का मार के प्यार के चक्कर में फंसाने का प्लान है। लड़कियों को प्यार में फंसाना इतना आसान नहीं है। हैंडसम होने का इतना घमंड है तुम्हें कि मैं इतनी देर से बोलती जा रही हूँ और तुम चुपचाप खड़े हो? मैंने धक्का नहीं मारा। तो क्या मैंने? मैं क्या बोलूं? मेरे बारे में जो भी जानता है वो बोल दे। सुनो, ये यहाँ की बहुत बड़ी वो है। वो माने? मवालन। अब समझ गए ना, आइंदा कभी मेरे आड़े मत आना। गर्ल्स फॉलो मी। अरे इसकी आंखों में जरूर कोई जादू है। मेरा हाथ। मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे सीने पर हाथ क्यों रखा? और फिर खुद बोल सकती थी ना, मुझे बोलने के लिए क्यों कहा? जरूर मेरे अंदर कोई सॉलिड थी। ले ऑटो किसका है? कौन है बे? अब वो तो जा रहा है। ए तुझे किसने मारा? वो लोग जो बैठे हैं। पता नहीं चलेगा, हम स्टूडेंट्स हैं, मुंह को ढक लो। तू यहीं बैठ। हमारे आदमी पर हाथ उठाना। रुक जाओ, ये उनका एरिया है, बाद में देख लेंगे। चलो है, उसका हिसाब तो चुका दिया, अब इस कमीज फाड़ का हिसाब करना बाकी है। सॉरी। साहब को कभी गुस्सा नहीं आता, गांधी जी हैं, मारो तो भी गुस्सा नहीं करेंगे। अबे चुप, मारने से भी गुस्सा नहीं करेंगे, क्या बात? देखोगे? देखा, गुस्सा नहीं आया। अरे रे, ये लोग उसे क्यों मार रहे हैं? हाँ यार, इसे गुस्सा ही नहीं आता। ए, तुझे किसने मारा? उन चारों ने भैया। साला कमीज फाड़ के शो दिखाया था। आज के बाद यहाँ कभी नजर नहीं आओगे। मुझे मत मारो, नहीं। बोल, कौन है तू? इसका दोस्त हूं, छोड़ दो। उठो। मैंने उसे तुम पर तरस खा के नहीं मारा, तुम्हारी माँ पिता और बहन की खातिर मारा। कॉलेज स्टूडेंट्स को गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। मार खा के इनके साथ पड़े रहोगे या इन्हें ले जाओगे, तुम्हारी मर्जी। हम इन्हें ले जाएंगे भाई। तो ले जाओ।
अगर आज तुम नहीं होते तो न जाने हमारे बच्चों का क्या। शैतान! अरे ये क्या? जिस तरह उन बदमाशों को मारा उसी तरह इनकी भी पिटाई करो, तभी अकल आएगी। थैंक्स भैया, यहाँ के लोग जो ना कर सके वो बाहर से आने वाले आपने किया है। ए, तुम सब लोग भैया को सॉरी बोलो। गलती हो गई, गलती हो गई भाई। स्टील बॉडी मेरी नहीं भाई, तुम्हारी स्टील बॉडी। मैंने कहा था ना पास में समुद्र है, वो तो यहाँ मेरे पैदा होने से पहले ही है भाई। अब मुझे भी इसमें डूबना होगा। लेकिन तुमने उनकी क्या पिटाई की भाई, एक एक मुक्के पर एक एक उड़ गया भाई। मेरी तो बोलती बंद हो गई। मैं तुम्हारे कदमों में लेके तुम्हारी सेवा करूंगा। ज्यादा बोल गया। ओ, सत्या के आदमी थे। आप सत्या के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नाम कहीं सुना था इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सब लोकल गुंडे हैं, सत्या की तरह शहर में खौफ फैलाना चाहते हैं। अगर ये सचमुच सत्या के आदमी होते तो अब तक ये अपार्टमेंट्स मिट्टी में मिल गए होते। वैसे आपका नाम? मेरा नाम सुबोध कुमार, पास के थाने में कांस्टेबल हूँ। शी इज माय वाइफ रेशमा। नमस्ते। हाल ही में यहाँ मैं ट्रांसफर होकर आया हूँ। वो सब छोड़िए, उनकी खूब पिटाई की, आपकी तारीफ। मेरा नाम गणेश है, यहाँ मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई नहीं है। हम सब हैं ना भैया? बिल्कुल, मैं भी तो हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। ए, सब लोग जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, चलो।